गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम अणाखाली लिखने का अभ्यास करेंगे। अणाखाली से कोई शब्द नहीं होता है बच्चों, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अणाखाली लिखना। सबसे पहले आप कैप लगाएंगे, उसके बाद आप एक ये कर्व बनाएंगे छोटा सा, इसको छोटा सा सर्कल भी बोल सकते हैं। इसके बाद जब आप ये कर्व बना लोगे ऐसे करके घुमा के, तो इसके बराबर में आप एक स्टैंडिंग लाइन लगा दोगे लाइक दिस, ऐसे। सबसे पहले कैप लगाएंगे, उसके बाद ऐसे करके छोटा सा कर्व बनाएंगे। जैसे आप इंग्लिश में यू बनाते हो, ऐसे आपने ये कर्व बनाना है, और इसके बराबर में आपने स्टैंडिंग लाइन खींच देनी है लाइक दिस, ऐसे। कैप लगाई, फिर आपने जैसे यू बनाते हो यानी कर्व बनाया, देन आपने एक इसके बराबर में स्टैंडिंग लाइन खींच दी। ये देखो, ये आपने स्टैंडिंग लाइन खींच दी इसके बराबर में, अणाखाली। ओके चिल्ड्रन, तो आज आप हिंदी की नोटबुक में अणाखाली लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।